प्रदेश की जनता है उसको आप फॉरेंसिक मेडिसिन, ये विधि विभाग भी बोलते हैं, उसके प्रति आपने जागरूक करने के लिए एक समय दिया है, बहुमूल्य समय दिया है। तो बीइंग एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो फॉरेंसिक मेडिसिन या विधि विभाग है, जनरली है, जब भी स्पेशलिस्ट की बात आती है तो हर चीज के स्पेशलिस्ट रहते हैं, वैसे ही पब्लिक को समझाने के लिए हम कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए जो आपकी एमएलसी लड़ाई झगड़े पे कटी जाए, ये बच्चा किसका है किसका नहीं है उसको लेकर डिस्प्यूट हो जाए, तो अक्सर जो फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग है, ये स्पेशलिस्ट है इन चीज़ों के, तो उनको अपनी जो योगदान है न्याय को स्थापित करने के लिए, वो योगदान देने के लिए बुलाया जाता है। फिर ऑनरेबल कोर्ट्स पूरी वस्तु स्थिति को देखते हुए अपना डिसीजन देते हैं। तो ये फॉरेंसिक मेडिसिन की तरफ से जो पोस्टमार्टम किए जाते हैं, और ये हमारा एक सब्जेक्ट है बेसिकली एमबीबीएस का, उसके बाद एमडी भी है। तो हर एमबीबीएस बच्चे को जो डॉक्टर बनता है उसको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तभी वो बाद में पोस्टमार्टम कर पाते हैं, पुलिस केसों में पर्चा काट पाते हैं, जिसको एमएलसी बोलते हैं, या फिर कई बार मान लीजिए डाइवोर्स केस आ जाता है, तो लेडी बोलती है कि ये पर्सन है ऐसा है वैसा है, अगर वो मेडिकल से संबंधित है, उसके शरीर से संबंधित है, तो अब जो कोर्ट्स हैं ऑनरेबल कोर्ट्स, तो वो मेडिकल फील्ड की हेल्प लेते हैं कि सच्चाई क्या है, तो उस सच्चाई को उजागर करने के लिए जो भी तथ्य सामने आता है हम कोर्ट में बता देते हैं, तो फिर कोर्ट जो है उस हिसाब से अपना निर्णय पास करते हैं। तो आपने रोल पूछा था फॉरेंसिक का, तो ये रोल रहा, और बहुत से केसेस भी होते हैं आते हैं, कई बार रेफर्ड केस आते हैं, एक जगह पोस्टमार्टम हुआ, जो ये थे अटेंडेंट थे रिलेटिव थे उनको लगा कि हम सेटिस्फाइड नहीं, तो अपना केस रेफर करवा लेते, वो केस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के थ्रू हमें फैक्स आता है कि ये वाले केस में अटेंडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम फिर वो वाला केस भी करते हैं। तो आपने हिमाचल प्रदेश का रोल पूछा फॉरेंसिक में, तो मैं सगर्वित होकर ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फॉरेंसिक मेडिसिन जो सब्जेक्ट है पोस्टमार्टम्स, ये 1600 सन के आसपास पूरी दुनिया में शुरू हुए थे, तब से लेकर आज तक जो पोस्टमार्टम को लेकर चीरा लगाया जाता है वो चार तरह से चीरा लगाया जाता था, और इन चार तरह के तीर जो चीरे थे उनके अलग अलग, एक ओवर द टाइम जब एजुकेशन शिक्षा का प्रभाव पड़ता है तो किंतु परंतु दिमाग में पब्लिक के भी आता है, दिमाग में जो काम कर रहे होते हैं उनके भी आता है। तो जो मेरे माइंड में क्वेश्चंस थे पोस्टमार्टम से संबंधित, जो मुझे लगा कि पब्लिक का भी इसमें व्यू है और मुझे भी एज पर्सन फील हुआ, तो उसके बाद हमने एक जो अटॉप्सी इंसिजन पोस्टमार्टम का चीरा है वो नए तरीके से ईजाद किया, तो उसके ऊपर रिसर्च पेपर छपा इजिप्शियन जर्नल ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में, ये एक पबमेड इंडेक्स्ड जर्नल है, तो वहाँ पे ये आज तक जो एक हमारा फील्ड है फॉरेंसिक मेडिसिन का, आप देखिए 72 लाख की आबादी है हमारे हिमाचल में, तो जो फॉरेंसिक वाले हैं हम तकरीबन 12 या 13 लोग हैं,
ऑल ओवर वर्ल्ड यही कंडीशन है। जो फ्रेंसिक पैथोलॉजिस्ट है, लैब वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं डॉक्टर्स की, रियल डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो वो जो एक स्पेशलिस्ट है वो ऑल ओवर द इंडिया कम है। तो एक हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन जो मैं कार्य कर रहा हूं, उस कार्य को निर्वाह करते हुए जब हमने एक रिसर्च पेपर लिखा इस पे नए चीरे के ऊपर कि पोस्टमार्टम के दौरान ये चीरा लगाएंगे, तो वो पब्लिश हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिश हुआ। आज तक उसके 6,000 से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। ये डाउनलोड आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये एक्सपर्ट्स करते हैं। जो मैंने लिखा है पूरे संसार में वो देखते हैं कि इसने ठीक भी लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर कुछ उनको गलत लगता है, कमी लगती है, उसके बाद वो फिर से रिसर्च करते हैं। तो ये जो रिसर्च पेपर था वो तो छप गया, परंतु इसके बाद एक स्टेज और आती है कि जो लिटरेचर है फ्रेंसिक मेडिसिन का, तो सौभाग्य से हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करते करते एक वो वाला सौभाग्य भी मुझे मिल गया कि फ्रेंसिक मेडिसिन के लिटरेचर में एक तरह से वो नाम मेरा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का वो अमर हो गया पूरी दुनिया में। कारण था कि जो ऑटोप्सी इंसीजन पोस्टमार्टम के दौरान चीरा लगाना, पहले 4 टाइप्स हुआ करती थी 1600 ईस्वी से, अब 5 हो चुकी। और इस चीरे का जो लाभ था वो लाभ ये मिला कि जब पोस्टमार्टम होता है तो एक चीरा लगाया जाता है अंदर का शरीर देखने के लिए, पहले बाहर का देखा जाता है फिर अंदर का देखा जाता है। तो वो चीरा जो सिर में भी लगता है, एक कान से लेके दूसरे कान तक लगाते हैं, फिर वो आगे पीछे खोलते हैं, हम दूसरा चीरा यहां से लेके चिन से लेके तो जो आपका ग्रोइन एरिया है वहां तक हम लगाते हैं, तो सॉरी लोइन एरिया वहां तक लगाते हैं, ये जो हिप बोन है हमारी उसके मिडल तक। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि हर कोई परिवार, कोई प्यारा लगता है किसी को, कुछ ऐसा लगता है, इमोशन जुड़े होते हैं। तो डेड बॉडी, जैसे हमारे हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कार है, तो 16वां संस्कार जो है वो दाह संस्कार है। वैसे ही मुस्लिम में धर्म में भी है कि डेड बॉडी को दबाने से पहले नहलाया जाता है, उसकी मतलब एक डिग्निटी है जो मेंटेन की जाती है। सिखिज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, हर धर्म में है। तो जब उस बॉडी को देखा जाता है परिवारजनों की तरफ से या वो जो नियर डियर है, तो वो चीरा देख के कई बार वो एक मेंटल ट्रॉमा लगता था। आप सोचो किसी का 3 साल का बच्चा है, एक्सीडेंट होता है, अब पोस्टमार्टम भी तो होने, अब वो 3 साल के बच्चे को वो चीरा जब लगाया जाता है तो वो थोड़ी सी हालत फैमिली की अजीब जैसी हो सकती है। माँ को देखना, उसके फादर को उसका ऐसी हालत में देखना, फिर उसकी बहन द्वारा देखना, भाई द्वारा देखना, दादा दादी नाना नानी, वो एक मेंटल ट्रॉमा क्रिएट करते थे। तो पहली बात तो मैंने ये वाली नोटिस की थी कि यस पब्लिक में ये जो पोस्टमार्टम के प्रति एक दिमाग में हेजिटेशन है कि नहीं कराना है, वो पहला शायद ये इमोशनल फैक्टर है कि कटबड होती है जो हम पहाड़ी में बोलते हैं, है ना, और बॉडी का वो सम्मान नहीं है, परंतु ये कानून की दृष्टि से जरूरी है, इसीलिए हमें करना पड़ता है, कानून भी तो पब्लिक ने बनाया है। दूसरी प्रॉब्लम मैंने नोटिस की थी कि पोस्टमार्टम तो कर दिया, बॉडी को स्टिच भी कर दिया, टांके भी लगा दिए, परंतु पोस्टमार्टम कमरे से लेके शमशान घाट तक बॉडी घर भी जाती है, गाड़ी से भी ट्रांसपोर्ट होती है। तो वो जो काटती वक्त उस मृतक शरीर के खून भी निकलता है और बॉडी फ्लूइड भी निकलते हैं, कई बार इन्फेक्शन भी होता है उसमें, इवन एड्स के पेशेंट भी होते हैं, हेपेटाइटिस के होते हैं, या कोई पूरे शरीर में खून में
इन्फेक्शन फैला था, सेप्टिसीमिया भी होता है, तो वो जो फ्लूड है, तरल पदार्थ है, ब्लड और बाकी पानी वगैरह जो भी शरीर में होता है, आपके लिए मैं ये बताता हूँ कि शरीर का 70% वजन जो है हमारा पानी की वजह से है। जल जल मतलब जल लाइक पदार्थ, चाहे ब्लड है, पानी है, कुछ भी है, तो इतना पानी मतलब शरीर में है, तो बस पिलेस होती थी, वो बाहर निकलता था। अब कफन में लपेटा है, कफन गंदा हो रहा है, लाल रंग से हो रहा है, तो वो एक फर्दर ट्रॉमा, और डेड बॉडी की डिग्निटी जो थी, रिस्पेक्ट थी, मुझे लगता है कि हार्म हो रही थी। तीसरा कारण ये आया कि स्कॉटलैंड से एक बार एक लेडी थी 18 साल की, उनका मैंने सेकंड बार पोस्टमार्टम किया, मनाली हॉस्पिटल से वो टांडा हॉस्पिटल रेफर हुई, और एक्चुअली काम करते हैं तो आपको साथ साथ में एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो वो केस जब मैंने किया तो दो, आप सोच रहे हो, एक पोस्टमार्टम, देयर आफ्टर दूसरा पोस्टमार्टम, मनाली से टांडा लेके आना। तो वहाँ जब एम्बेसी के थ्रू मेरी स्कॉटलैंड बात हुई फैमिली मेंबर से, तो हम कई बार क्या करते हैं कि हमें पॉइजन का पता करना है, कुछ करना है, तो हम शरीर के कुछ हिस्से रख लेते हैं जिनको हम केमिकल एनालिसिस के लिए, कि इसको पॉइजन है कि नहीं है, शराब है कि नहीं है। तो हमारे साथ जैसे लैब टेक्नीशियंस होते हैं ना हमारी लैब्स में, तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भी लैब टेक्नीशियंस हैं, तो वो उस टेस्ट को करते हैं कि खून, शराब में शराब की मात्रा, पॉइजन की मात्रा कितनी है, कितनी नहीं है, वो लोग हमें इतना सा बताते हैं। तो इसी चीज को कई बार आपने देखा हो ना कि हम हॉस्पिटल में जिंदा पेशेंट, जीवित पेशेंट में भी कोई यहाँ पर रसोली बनी है, फिर हम बोलते हैं आपको कि इसका मांस का टुकड़ा निकाल के पहले टेस्ट करा लेते हैं, पैथोलॉजी विभाग में भेजते हैं, तो वैसे हमारा पैथोलॉजी विभाग भी है। तो उस लेडी का मैंने कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण जानने के लिए, जो कि मनाली में पता नहीं चला था, तो मैंने उसके हार्ट के पीसेस रखे थोड़े से, और उसको मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा भी। तो वो स्कॉटलैंड से हमें कॉल आने शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ के रिचुअल्स का मुझे मालूम नहीं था। तो वो चाह रहे थे कि अगर आपके टेस्ट हो गए हैं तो हमें हार्ट का वो टुकड़ा वापस किया जाए बच्ची। कारण उनके रिचुअल जैसे थे, ये नहीं थी प्रॉब्लम कि टेस्ट के लिए आपने रखा या ये किया वो किया, जो हमने रखा वो लिखा हुआ था। उनको था कि अगर ये बॉडी का हिस्सा, वो भी हार्ट है, जितना चाहिए था आपने टेस्ट के लिए रख लिया, हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, 5 ग्राम 10 ग्राम, बट वो स्कॉटलैंड में उन्होंने वो बाकी का हार्ट मेरे से वापिस मांगा। तो वो हार्ट जो था उस बच्ची का स्कॉटलैंड की, वो सम्मानजनक स्थिति में था, केमिकल प्रिजर्व करके रखा था, ऐसा नहीं था वो सड़ गया था। तो उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मैंने वो स्कॉटलैंड हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से उनको वापिस भिजवाया। तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगता है तकरीबन 14 या 15 दिन लग गए थे, क्योंकि मैं भी पहली बार ही ऐसी स्थिति फेस कर रहा था। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि उस फैमिली की स्कॉटलैंड में इमोशंस यहाँ तक पहुँच गई थी कि अगर बच्ची के शरीर का जब तक पूरे का पूरा धरती पे जितना भी शरीर मौजूद नहीं है, अगर हम उसको दफनाते नहीं है, तो बच्ची की आत्मा को शांति नहीं मिले। तो सभी के धर्म अलग अलग है, सभी अपने अपने, तो ये 3 क्वेश्चन जो थे मेरे उस टाइम से माइंड में थे, जिन्होंने बेसिकली मुझे गाइड किया, इनलाइटन किया कि पब्लिक इंटरेस्ट में, नॉट ओनली फॉर द हिमाचल प्रदेश, फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड आप काम करें। और भगवान की कृपा से वो कार्य मेरे हाथ से हो गया, और ये इन द इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन था। तो दूसरी बात ये रहती है कि जब भी हम कुछ ऐसे वाला कार्य करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी जो है सम्मानित होती है एक तरह से, क्योंकि मैं स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ। तो इन्हीं शब्दों के
साथ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, खुद अपनी तरफ से भी मुझे फख्र है कि मैं हिमाचल प्रदेश सरकार के अंडर कार्य कर रहा हूँ। और इस पूरे रिसर्च वर्क के दौरान गवर्नमेंट की तरफ से ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आई, कभी मुझे कुछ भी रोका नहीं गया। और मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूँ लोगों से, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, पीएचडी आप संस्कृत में कर रहे हो, हिंदी में, किसी भी विषय पे, पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च की जाती है तो रिसर्च वही अच्छी होती है जो ईमानदारी से की जाती है, ना कि कॉपी पेस्ट की जाती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सोचिए 1600 ईस्वी में कंप्यूटर्स नहीं थे, आप गूगल एक्सेस नहीं कर सकते। उन इंसिजन्स की सिर्फ चार चार पांच पांच लाइनें हैं हमारी बुक में, खत्म। तो जो रिसर्च पेपर लिखा गया वो ओरिजिनल थॉट थी मेरी। हर शब्द को लिखने के लिए मुझे सोचना पड़ा, समझना पड़ा, वो स्थिति लिखी गई ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग समझ सके। और यही लिटरेचर की जो भावना है, मैं आप मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ, आप पत्रकार हैं, आप भी रिसर्च वर्क कर सकते, कोई भी इशू जो है आप रेज कीजिए, चाहे महिलाओं के संबंध में है, चाहे किसी भी संबंध में। तो ऐसा नहीं है कि रिसर्च वर्क करने के लिए आपको डॉक्टर बनना है, पीएचडी करनी है, जो न्यूटन गैलीलियो थे ये वो, ये कुछ भी नहीं थे, हमारी तरह नॉर्मल इंसान थे, नौकरियां भी नहीं करते थे। तो रिसर्च वर्क किया है, तो मैं जो मीडिया में हमारे प्रबुद्ध ही होते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत से चाहे अनचाहे बाकी सोचते रहे पर मुद्दे तो उठाते हैं। अगर थोड़ा सा अगर उसको डिटेल में स्टडी करो तो रिसर्च पर्पस के लिए हमेशा पब्लिश होगा वो, और इसके साथ आपका नाम जो है वो शिक्षा में, चाहे किसी भी स्तर की है, वो आता है। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। और अगर मीडिया पर्सन्स के कोई सवाल है जनहित में लोगों को जागृत करने के लिए, तो मैं अपने आप को आपके लिए समर्पित करता हूँ।